देखिए ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं इस पर ये कहना चाहूँगा कि अगर आम आदमी पार्टी द्वारा कोई धरना प्रदर्शन या पुतले किए जाते हैं तो उन पर मुकदमे ठोके जाते हैं आपदा एक्ट पर, और मुझ पर स्वयं भी 7 मुकदमे प्रशासन द्वारा सरकार के इशारों पर किए जा चुके हैं। लेकिन पिछले 2 दिन से मैं देख रहा हूँ कि बीजेपी द्वारा पुतले फूके जा रहे हैं और उन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई, किसी प्रकार का कोई भी केस नहीं लगाया गया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि कानून की नज़र में सब एक होते हैं और होने भी चाहिए, लेकिन अब ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी को टारगेट किया जाता रहा है। और जिस प्रकार 2 दिन से बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा जो धरने प्रदर्शन और ये जो पुतला दहन कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें कहीं भी उन पर किसी प्रकार का कोई केस नहीं लगा है, तो यहाँ से साफ पता लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी पार्शियल है। देखिए ऐसा है कि अगर वो कहीं एक्यूज्ड है उस मामले में तो देखिए जो भी संवैधानिक कार्रवाई है वो जरूर होनी चाहिए। कोई पत्रकार भी हो सकता है, कोई नेता भी हो सकता है, कोई साधारण व्यक्ति भी हो सकता है। संविधान और न्याय व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी कानून के दायरे में आते हैं, और अगर वो उसमें एक्यूज्ड हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए। मैं समझता हूँ लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए ऐसा है, बीजेपी का तो ये मानना है कि जो उनके पक्ष में बोलने वाला व्यक्ति है उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, जो उनका विपक्षी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो निर्दोष भी क्यों ना हो। या आप देखते रहे होंगे कि बीजेपी की जो कार्यशैली है वो हमेशा से विवादास्पद रही है, और जो व्यक्ति बीजेपी को सीधा सीधा बीजेपी पर कटाक्ष करता है उसको बीजेपी टारगेट कर लेती है, और जो बीजेपी के फेवर में बोलता है उसको बीजेपी कहती है कि उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।